मैडम सर, हाँ? आप डांस सीखना चाहती हैं? बिल्लो के रिपोर्ट के हिसाब से ये पूनम इसकी अमित की बहन यहाँ पर छोटे बच्चों को डांस सिखाती है, ठीक है? और अमित उसे रोज इसी टाइम पर छोड़ने आता है। तू जा, मैं एक घंटे में लेने आऊंगा। ओके, एक घंटा है हमारे पास, क्या करना है हमें? हमें कैसे भी करके पूनम को महिला पुलिस थाने लेके जाना है अनऑफिशियल। ओके, और उससे क्या होगा? क्योंकि उससे पूनम हमारे प्लान में शामिल हो जाएगी और वो हमारा साथ देगी। करेक्ट, परफेक्ट। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे पास सिर्फ आज शाम तक का टाइम है इस प्लान को कम्प्लीट करने के लिए। हाँ मैडम सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे। क्या? अमित हमें पूनम को क्यों लेके जाने देगा साथ में? वो दोनों तो भाई बहन है ना। हाँ। जाने देगा। आप जब इसे सीरियस होकर देखती है ना, तो कुछ उल्टा ही होता है और हमको बहुत डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम पूनम को लेकर घर जाओ, हम तुम्हें बल्ली की दुकान में मिलते हैं। हाँ, ठीक है? चीता कहाँ हो तुम? वो निकल जाएगी। हाँ मैडम सर, हम यहीं पर हैं मैडम सर। लेकिन क्या है ना कि हमको थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या ही कमीना आदमी कहीं फिर से छेड़ दिया तो? अरे डरने का समय थोड़ी है चीता, मर्द बनो। मर्द बनो? मैडम सर, हम मर्द ही थे, आपके कहने तो औरत बने हैं। आप बोलिए ना, हम क्या बने? मर्द बने की औरत बने? देखो टाइम मत वेस्ट करो, जो कहा है वो चुपचाप करो और जल्दी आओ। ठीक है मैडम सर, ऑल द बेस्ट चीता। जी। हाय, मेरा नाम पिंकी है और यही पास में ना हमारा लेडीज का एक ग्रुप है, तो हम लोग ना ऐसे मतलब ऐसे एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप हमें डांस सिखाएंगे क्या प्लीज? आई कैन पे यू 1000 फॉर 1 आवर। मुंह चुपा रहा है। क्यों चुपाएगा ही ना? याद है उस दिन सारे आम सड़क पर उसने कितनी बदतमीजी की थी चीता के साथ? चीता नहीं, चिमरन के साथ की थी। हाँ वही चिमरन। अब बहन के सामने भांडा थोड़ी ना फूटने दे सकता है, इसलिए मुंह छुपा रहा है। देखिए प्लीज ना मत बोलिएगा, मैंने ना आपके बच्चों से आपकी बहुत तारीफ सुनी है और हमारा ना बहुत मन है कि हम लोग ना आपसे डांस सीखें। प्लीज प्लीज, आई कैन इवन पे यू 2000 फॉर 1 आवर। आई एम सो सॉरी मैम, पर मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे भाई अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? कौन भाई? ये भाई? जी। एक बार पूछ कर तो देखी, कहीं अलाउ ही कर दे। भाई क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब मान जाइए ना। अरे अरे बोला ना नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे सुनिए तो, इधर देखिए तो सही। अरे जाइए ना। Oh my God! इनकी शक्ल? क्या? क्या हुआ इनकी शक्ल को? इनकी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती सी लग रही है। किससे मिल रही है? नहीं मिला था कल एक चीफ स्टोर थर्ड क्लास वाहियात घटिया सा आदमी मुझे छेड़ रहा था, पर ये वो तो नहीं हो सकती ना। अपनी शक्ल दिखाई, जरा हेलमेट तो हटाइए एक मिनट। भाई साहब हेलो, सुनिए तो हेलमेट तो। अरे हेलमेट छोड़िए ना आप, दूर रहिए। अच्छा ठीक है, पूनम ऐसा करो तुम इनके साथ जाओ, मैं एक घंटे में आता हूँ तुम्हें लेने। जी। भैया मान गए, भैया मान गए, भैया तो मान गए। चलो चलो, उसके पहुँचने से पहले हमें थाने पहुँचना होगा। चल क्या हो गया? ये तो महिला पुलिस थाना है ना। हाँ तो यहाँ की महिलाओं को ही तो डांस सिखाना है। क्या है कि यहाँ की पुलिस वाली भी पुलिस वाले से पहले महिला ही तो है। वो देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ है महिला। हेलो वेलकम, हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की SHO। आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, तो आप इन्हें डांस सिखाएगी? वेलकम मैडम, वेलकम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आइए ना, आइए आइए अंदर चलिए। ये भी महिला ही है, आइए आइए आइए।
तो ये है हमारा महिला पुलिस थाना। पुष्पा जी और संतोष, हम लोग रिहर्सल के लिए चेंज कर लेते हैं। जी मैडम सर। आप लोग जाइए, हम आते हैं। चीता, पिंकी, इन्हें रिहर्सल रूम में ले जाओ। जी मैडम, आइए। आइए मैडम। हाय 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 हाय। थाना बंद होने जा रहा है और यहाँ पे इंटर डांस थाना कंपटीशन का प्रैक्टिस चलेगा। थोड़ा ही समय बचा है मैडम सर, हमें इजाजत दीजिए, हम जाते हैं और इस केस को अपने तरीका से निपटा कराते हैं। आप बोलने से पहले कभी नहीं सोचती ना, हम अब भी मिशन पर हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। वो पूनम है, अमित की बहन, जिसे हमने यहाँ पर बुलाया है अपने प्लान में शामिल करने के लिए। आप समझ में आया? ठीक है, आप ये भी कर लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा इस बार ये केस ना हमारे तरीके से ही निपटेगा। देखते हैं। 5 6 7 8 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ओके सो आप लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है, ये थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है। मेरा मेरा सोलो कैसे बहुत प्रॉब्लम है, आपने मुझे डुएट दे दीजिए इनके साथ, मैं मस्त नाचूंगी। अकेले भी चलेगा। इट्स ओके, मैं लास्ट में आपको इनके साथ एक स्टेप दे दूंगी। थैंक यू मैडम सर। उसके साथ बात कब करेंगे? रुको थोड़ा, अभी ट्रस्ट और बिल्ड होने दो। करते ओके तो नेक्स्ट स्टेप अपना राइट पैर सब आगे करेंगे। ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम प्लीज मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। पूनम एक बार हमारी, मैम पूनम रुको, रिलैक्स, एक बार हमारी बात बस शांति से सुन लो, उसके बाद तुम्हें चली जाना है तो तुम चले जाना। हम मानते हैं कि हमने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया है, लेकिन हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगना है। मदर? पुलिस तो आप लोग हैं ना, तो मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, हम पुलिस हैं, महिला पुलिस, और आज इस महिला पुलिस थाने को एक दूसरी महिला की जरूरत है। मतलब? बताते हैं। संतोष FIR। ये देखो, ये है वो FIR रिपोर्ट जो तुम्हारे भाई अमित के खिलाफ दर्ज की गई। तुम्हारे भाई अमित पर सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी और उन्हें छेड़ने का आरोप है। ये क्या बोल रही हैं आप मैम? मेरा भाई ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। आई नो आप लोग की ये चाल है ना मेरे भाई को फंसाने के लिए। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आप लोग की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कभी कोई काम कर ही नहीं सकता है। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूनम तेरे वजह से ये प्लान भी फेल हो गया। हमारी वजह से कौन मर रहा है तुम उनको? नहीं तो क्या, ये विट्टी का कर नहीं रख सकते थे? ये भी करके देख लिया मैडम सर आपने, और कुछ भी ट्राई करना है या फिर हम जाए अपने तरीका से निपट कर आए? तजुर्बा कहता है हमारा कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है, और हम हार नहीं मानते, खासकर तब जब जीतने की जर्रा भर उम्मीद भी बाकी हो। कुछ ना कुछ तो हम सोच ही लेंगे, इसलिए आप सब्र रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जी मैडम सर। संतोष शर्मा। मैडम सर, पूनम को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। बिल्लू देखा, हमने कहा था ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें मेहनत से कमाई का महत्व समझ में आएगा। देखो वो दिन आ ही गया, चोरी चकारी छोड़कर आखिरकार तुम आ ही गए सही रास्ते पे। तो अब कल से रोज 2 लीटर दूध घर पहुंचाना है ना, हम तो माँ जैसे हैं ना तुम्हारे। माँ से भला कोई पैसे लेता है क्या? माँ के लिए तो सब कुछ मुफ्त होता है। मुफ्त? कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है,
मैडम सर के कहने पे वो पूनम पे नजर रख के खबर निकालने के लिए गए थे। बिल्लू कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, वो पूनम ने दूध लेने से मना कर दिया, वो सबके सब ग्रीन टी पीते, हेल्थ कॉन्शियस कही के। मगर मैडम सर अब क्या करेंगे हम, दो दिन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मम्मी रिश्ते के लिए डीएसपी सर का है। जय हिंद सर। जय हिंद। केस सॉल्व हुआ मिस मालिक? नहीं सर अभी तक नहीं। आपको पता है ना आज शाम तक का ही टाइम है आपके पास, उसके बाद महिला पुलिस थाने की जगह सामान्य पुलिस थाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं फोन तिरंगा फहराऊंगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर और नए पुलिस थाने का शुभारंभ कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, इससे अच्छा दिन और क्या होगा। लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए, लोगों के मन में खासतौर पर औरतों के मन में यह डर पैदा करने के लिए कि अगर वो सड़क पर अकेली चढ़ती हैं और कोई उन्हें छेड़ता है तो कोई नहीं उनकी सुरक्षा के लिए। हम सब जानते हैं ज्यादा जज्बाती होने की आवश्यकता नहीं है, समझ गई आप? अरे जब महिला पुलिस थाना काम ही नहीं करेगा तो महिला पुलिस थाना बंद तो करना पड़ेगा ना। सॉरी सर लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। अब भी कुछ घंटे हैं दो दिन पूरे होने में, ये महिला पुलिस थाना बंद नहीं होगा। ठीक है मिस मलिक, अब देखते हैं कि थाना जाता है या आप जाती हैं या सामान्य थाना आता है। देखते हैं सर। जय हिंद। मैडम सर बाहर कोई आया है। कौन? आप खुद देख लीजिए ना बाहर कौन आया है। चलो मैडम सर, ये तो कमाल हो गया। पर इन्हें कौन लेकर आया यहाँ? हम। हम लाए हैं। ये देखिए कौन लेकर आया है। अब अगर ये लेकर आई हैं तो सब जानते हैं किस तरीके से लेकर आई होंगी। दो दिन भी आपसे सब्र नहीं हुआ ना, उठ ही गया ना आपका डंडा। पुष्पा जी हमने वादा किया है कि जितना भी समय बचा है हम अपना डंडा नहीं उठाएंगे। हम इनको लाए जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रही हैं। असल में करिश्मा मैडम इन सबको हमारे पास लेकर आई थी। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब जानने के बाद हमें पता चल गया कि आप लोग गलत नहीं हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे भाई का एक ऐसा रूप भी हो सकता है। मैडम मैं आप सबके साथ हूँ, आप लोग बताइए मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ। पूनम तुम जो कर रही हो वो बहुत ही मुश्किल और बहुत हिम्मत का काम है। तुम्हारे भाई से हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इस सोच को बदलना चाहते हैं जो अब हम तुम्हारी मदद से करेंगे। करिश्मा सिंह आपने आज पहली बार सही समय पर सही तरीके से सही काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। बहुरानी किसकी है? मैडम सर हम जानते थे कि इस केस में आपको हमारा जरूरत जरूर पड़ेगा। आखिर करिश्मा सिंह का भौकाल किसी डंडे का मोहताज नहीं है। तो मैडम सर अब हमें क्या करना चाहिए? आ गई आ गई। अरे यार ये फोन में अभी बारिश नहीं आना था। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ घर के अंदर। हाँ। क्या वो बता रही हूँ हम यहाँ पे हैं? तो उसके कान में जाके बोलना कि हम यहाँ हैं। अम्मा क्या जड़ बुद्धि, फोन लगा उसको। ओ ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ कनेक्टेड है ना। हेलो कहाँ हैं आप लोग? इधर ही है, तुम तैयार हो ना? जल्दी आइए।
हाँ ठीक है। बिल्ले 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 डायरेक्ट। हाँ तो लगा हुआ था ना पहले से। हाँ। बिल्ले सुन, हाँ रेडी है ना, चलो शुरू हो जा। और लौट छमिया, नमस्ते। बिल्ले दावत में आया है तू? ये नमस्ते नमस्ते क्या चला रखा है? जो काम करने के लिए भेजा है जल्दी कर, चल। ओके सर, आई विल ट्राई। अरे छमिया, अरे चिल्लाओ, बचाओ बचाओ, चिल्लाओ बचाओ बचाओ। ए गुड़बास, ये कहा है बचाओ बचाओ, जोर से जोर से चिल्ला बचाओ बचाओ। अरे तुम्हारे घर के सब लोग बैरा है का? बचाओ माँ। घंटी बजे की घंटी, छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग, छोड़ो छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ो। ओ बेबी, अरे आंटी जी, हम ले जाएंगे मजाक मजाक में और छोड़ भी देंगे मजाक मजाक में, क्या समझे? चल हाथ दही चला कर नाती। अरे क्या थी, कहाँ घर जा रही हो? तूने चुटकुला हम लोग सुनाएंगे, तू कहीं से सुनी का छोड़ दे। चल भाई बैठा, चल छोड़ेंगे नहीं किसी को। तुम टोपा हो कबे, पता नहीं है जब बड़ा बात करते हैं तो छोटों को बकर बकर नहीं करना चाहिए। हाँ आंटी जी, आप कुछ कह रही थी? मैडम जी, कुछ लोग आए और मेरी बेटी को उठाकर लेके चले गए। मैडम जी क्या बात कर रही हैं, कौन? हमको नहीं पता कि कौन थे लोग। अरे कुछ बता कर तो गए होंगे। नहीं मैडम जी, बस कह रहे थे कि हम मजाक करने के लिए लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस कर देंगे। मजाक। हमारी बच्ची गायब हुई है और आप लोगों को हंसी आ रही है? तब हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, खुद ही तो कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, छोड़ जाएंगे बेटी को, तो फिर आप थाने तक क्यों आ गए? आंटी जी आप कह रही थी ना उस दिन कि आपका जो बच्चा है वो कभी कभी मजाक कर लेता है, अब किसी और ने मजाक कर लिया तो आप ऐसा बवाल कर रही हैं। मैडम इस बात के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ के निकालिए प्लीज मैडम प्लीज। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि जब आपका बेटा मजाक करता है तो लड़कियों पर क्या गुजरती है। देखिए छेड़ना अलग बात है, किडनैप नहीं किया हमने किसी का, बस छेड़ा है। तेरी गलती की सजा मेरी पूनम को मिली है, आज ये दिन देखना पड़ रहा है तेरी वजह से। नहीं नहीं आंटी, गलती सिर्फ इनका नहीं है, गलती आपका भी है, बल्कि हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गलती ही आपका है। सही समय पे सही शिक्षा दिया होता ना इसको और समझाया होता कि लड़कियों का सम्मान कैसे किया जाता है तो आज ये नौबत नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, बहुत लाड़ प्यार देते हैं हम अपने बेटे को लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। माफ कर दीजिएगा मैडम जी। मैडम जी हमारी गलतियों की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिए, उसे बचा लीजिए मैडम जी, हम आपके पास। नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप आइए। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैडम जी ये यहाँ कैसे? ये सब नाटक था। नाटक? जी, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जिस चीज को आपका बेटा मजाक कहता है वो एक लड़की के वजूद का सवाल है, और इस सब में हमारा साथ दिया आपकी बेटी ने। आप तो मेरे हीरो थे ना, तो आपने ये सब क्यों किया? मुझे माफ कर दे बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं। हाय आपको हमसे नहीं किसी और से माफी मांगनी चाहिए। Thank you.
माफ कर दीजिए। It's okay. उनसे तो माफी मांग लिए, हमसे कब मांगोगे? हमको भी तो छेड़े हो ना तुम। तुम्हें कब छेड़ा यार? तुम्हें को? हाँ, इतनी जल्दी भूल गए तुम? तुम हो? हाँ बेटा हम वही हैं। चलो चलो पीछे चलो, चलो वहीं पे खड़े होके माफी मांगो, तुम हमसे डबल माफी मांगो। आपसे भी सुनते जी, सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। हमारी अम्मा कहती है कि दिल से जो पछताए ना उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन कहा है कि बेटा गलती तो तुम बहुत की हो, चुपचाप कान पर 10 बार उठक बैठक लगाओ। अरे मुंह मत ताको बाबू, शुरू करो। एक, वाह क्या बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक, आपने कहा था कि 2 दिन के अंदर केस सॉल्व हो जाएगा और 2 दिन में केस सॉल्व कर दिया आपने। आखिरकार थाना बंद होने से बचा ही लिया। हम सब ने मिलके किया है सर। हमारे देश को आजादी मिले आज इतने साल हो गए, लेकिन निडरता से जीने की आजादी हमें अब भी नहीं मिली। औरत को कमजोर समझना जितना बड़ा गुनाह है, उसकी सजा उतनी ही कम। कानून जब बदले तब बदले, पहले हमें इस ओछी मानसिकता को बदलना होगा, और उसके लिए कोई कितना भी रोके हम रुकेंगे नहीं, कोई कितना भी टोके हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वाभिमान से जीना हमारा पहला हक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आओ अपनी आजादी का हक अदा करो। चाय दे। ये चाय है? अरे नहीं, पापड़ है मैडम। तो हम पापड़ मांगे तुमसे। अरे मैडम चाय आ रही है, तब तक पापड़ खा लीजिए अब प्लीज। हम कल पापड़ का बारिश हो गया क्या? जहाँ देखो पापड़ दिखाई दे रहा है हमको, चल क्या रहा है ये? अरे मैडम ये कोई आम पापड़ नहीं है, बहुत खास पापड़ है ये। अब देखिए मैडम, आप बहुत भोली है, नादान है, आपको मालूम नहीं पापड़ के बारे में। अरे ये हाहाकार पापड़ है, इसके खाने से कोरोना नहीं होता है। हमारा टोपाओ का बकैती किए जा रहे हो बे? अरे नहीं मैडम, ये सही कह रहा है, ये पापड़ बनाने वालों का दावा है कि पापड़ खाने से कोरोना नहीं होता है। कोरोना दूर भगाओ। बकैती किए जा रहे हो तुम दोनों की दोनों। नहीं मैडम हम बकैती नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना 2-4 पापड़ आप भी खा लो, कोरोना से बची रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? No. किसी ने तुम्हें चूरन बनाया और तुम चूरन बन गए। पापड़ खाओगे ना तो वैसे तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। मैडम लगता है कोरोना से बचने के चक्कर में कुछ ज्यादा हाहाकार पापड़ खा लिया, पेट में बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया है, मतलब इधर रहे तो यहीं पे हाहाकार मच जाएगा। देखा इतना जो तुम हाहाकार पापड़ की बात कर रहे हो, तुम्हारा अकल क्या बिल्कुल घुटनों में चला गया है क्या? कोई कुछ भी खबर फैलाएगा तो तुम मान लोगे? पता नहीं है ये फेक न्यूज का कितना चक्कर चल रहा है,
तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है खोपड़ी में? हाँ बहुत ज्यादा। तो यूज कौन करेगा? तय करो ना कि कौन सा खबर सच्चा है और कौन सा झूठा है। पापड़ लो और लेके जाओ इसको। जहां तक बात रही है हाहाकार पापड़ की न्यूज फैलाने वाले की, इसको तो हम खोज के निकालते हैं और दिखाते हैं कि हाहाकार क्या होता है। अरे नहीं नहीं, एक दो बोतल से क्या होगा, यहाँ खोली यहाँ खत्म। बहुत ज्यादा लगेंगी भाई, कम से कम एक दो कार्टन भिजवा दो बोतलें। हाँ पुष्पा जी, दारू पीने लग गई। स्टॉक होना चाहिए भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हाँ जा आज ही भिजवा दो। तो कहाँ भेजोगे, सीधा थाने भिजवा दो सारी बोतलें। हाँ रख दो अभी फोन। क्या? आई अंडरस्टैंड पुष्पा जी। हाँ तो जरूरत तो पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटर थाना डांस कंपटीशन में हमारा महिला पुलिस थाना फर्स्ट आया है। करिश्मा सिंह को ये न्यूज हमने फोन पर दे दी, लेकिन सोचा आप लोगों को पर्सनली बता दे। कंग्रेचुलेशंस। मैडम सर आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो आज हम ये सब नहीं कर पाते। नहीं नहीं पुष्पा जी, इट्स ऑल टीम वर्क। पर मैडम सर एक बात बोलूं, जब नेक्स्ट टाइम डांस कॉम्पिटिशन होना तो ऐसे ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन में मजा नहीं आता। जब ऐसे लाइव ऑडियंस होती है और हम परफॉर्म करते ना तो मजा आ जाता है, सीटी वीटी बजती है, तालियां बजती है। Sorry. It's okay. पर लेकिन हाँ, celebrate करना तो बनता है। आज का चाय नाश्ता हमारी तरफ से, और हाँ मिठाई भी मंगवा लीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। मम्मी शादी के लिए? पीएसपी सर। सॉरी सॉरी। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बधाई हो और ट्रॉफी। ओह थैंक यू सो मच। आप हमको ये बताइए कि आपका थाना स्टाफ हमको पार्टी कहाँ दे रहा है भाई? सर जहाँ आप बोले। आप तो जानती है कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ, संताप कैसा देगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ की वेज बिरयानी बहुत बढ़िया होती है, खाया आपने कभी? हा? नहीं सर। तो ठीक है हम लोग वहीं चलेंगे। और आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप जिंदगी भर उसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। बता दीजिएगा जब जाना हो। श्योर सर। सर आपने कुछ काम से फोन किया था या बस वेन्यू डिसाइड करने के लिए? अरे 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 अरे, अरे, अरे। खाने की बातों में वो बात तो रही गई जो बात आपको बतानी थी। अरे भाई शहर में नकली शराब का धंधा बहुत जोरों से चल रहा है और हम सब जानते हैं, इसीलिए तो आपका नाम सजेस्ट किया है। हम चाहते हैं ये केस आप अपने हाथ में ले लें और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है आप जल्द से जल्द बंद करें। अब ऐसे छोटे मोटे केस तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इनफैक्ट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई नया केस मैडम सर? हाँ नकली शराब का केस अब ऑफिशियली हमें मिल चुका है जो हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है। जी मैडम सर, लॉकडाउन में शराब मिलनी बंद हो गई थी ना, उसी का फायदा उठाकर नकली शराब वालों ने अपना धंधा दोगुना कर दिया है। नकेल तो कसनी पड़ेगी। संतोष शर्मा, हमने जो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कहा था उसका क्या हुआ? जी मैडम सर, रिपोर्ट बनाई है। लगभग 5,550 बॉटल पकड़ी है, उसमें से आधी अंग्रेजी और आधी देसी। देखो संतरा की 300 बॉटल पकड़ी गई थी, फैनी की 450, महुआ की 340। संतोष शर्मा, हमने आपको लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, ये संतरा मौसम्बी की नहीं। सप्लायर्स, सोर्सेस, डीलर्स, एजेंट्स, शराब के ठेके, इनफैक्ट जहाँ जहाँ हमने रेड मारी थी जितने भी लोग ब्लैकलिस्टेड हैं सबकी एक साथ एक लिस्ट बनाई जल्दी। जी मैडम सर। मैडम सर आपने वो सैनिटाइजर की बोतलें और मास्क के लिए बोला था ना, वो ऑर्डर हमने दे दिया है, बस आज रात को ही वो डिलीवर कर देगा यहाँ थाने में। रात को कौन डिलीवरी करता है? एनीवेज रात की ड्यूटी पर कौन है?
चीता है ना, और कहाँ है वो? चीते बहुत हंस रहे हैं, क्या हुआ? यार बिल्ले यार, ये वायरल वीडियो देखना यार। क्या? नशे की हालत में दूध दूल्हा पहुंचा शादी करने, और दुल्हन के जगह दुल्हन की माँ के गले में जयमाला डाल दिया और दुल्हन बेहोश। होता है होता है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। मैं अपने नशे की धुत में गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने बैठा। अरे चीते, तू भी ऐसा कुछ करना, तू भी ऐसा कुछ करना। कहाँ चाहते हो? संतोष जी के बाबूजी के पास जाए, उनका हाथ पड़े, उनको प्रपोज करते, पगलाई थी। बकवास बकवास बकवास, एकदम बकवास प्लान है तुम्हारा, समझे? हाँ हम समझे, बिल्कुल सही कह रहे चीता भैया जी। चोर चंडाल के चक्कर में ना पड़ो, फालतू बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ऐसा हाल हो जाएगा। अब मम्मी चुप बैठो तुम। अरे संतोष जी के पिताजी को प्रपोज नहीं करना है, संतोष जी को प्रपोज करो। क्या होता है, दारू पीने से चूहा भी शेर बन जाता है। फिर वो शराबी शराब के चक्कर में कुत्ते की मौत मारा जाता है। देंगे देंगे, सोशल मैसेज भी देंगे। हाँ पहले इनका काम होने दो। कर लो। तुम दारू पियो, संतोष जी के सामने जाओ, उनको अपनी दिल की बात बता दो। हाँ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार खा लियो मामे का। मामी ऐसा नहीं है, आप दारू पे बिन फाड़ दो, कहना नशे में था, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। का पीना है तुमको, सब जानते हैं, इसलिए पगलाइती कर रहे हो तुम सब। यही यही बात है चोर आदमी। अरे क्या यही यही बात है? अबे मार खाएगा अपने को, मजा आएगा, फिर से ऊपर से दारू मिलेगी फिर। ए चीते, अरे यार ये चीते, बैठ 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 बैठ, सुन लो सुन लो। हाँ असल में दारू थोड़ी पीनी है, दारू पीने की एक्टिंग करनी है, एक्टिंग एक्टिंग में हो जाएगा। बराबर एकदम बराबर। नहीं हमसे कहा एक्टिंग एक्टिंग। अरे फिर हम किस लिए? दिल उदाल पचीनो। कौन चीनो? क्या पचीनो? कब? हाँ चुप बैठो यार तुम, ये देखो। हाँ संतोष जी, हमारा दिल आपके पास है, वो लौटा दो। बच्चन साहब कर रहा है? नहीं यार मैं पागल, अब यार दो चार जन्म ले ले फिर भी बच्चन साहब जैसा तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जितना बड़ा उनका हाथ है उतनी बड़ी तो हमारी हाइट भी नहीं है, संभव नहीं है बिल्ले, समझ यार। अरे होगा होगा, ये देखो ये बदनाम है ना, ये डायलॉग बोलेगा और मैं एक्टिंग करूंगा, ये देखो बदनाम शुरू हो जा। करो करो। संतोष, अरे उतनी देर में तो संतोष जी की शादी हो जाएगी, वो हनीमून करके लौट आएगी तब तक। एक मिनट यार, एक मिनट, अभी फालतू का आइडिया दी जा रहे तुम लोग तब से यार, नहीं लेना तुम लोग से आइडिया, हम कुछ और सोच लेंगे। हाँ पुष्पा जी। चीते सुन, सैनिटाइजर ऑर्डर किए हैं और रात में ही डिलीवरी होनी है, आज रात ड्यूटी पर तुम ही हो ना, इसलिए अब ऑर्डर भी तुमको ही लेके रखनी है, समझे? ठीक है। क्या हुआ? जा रहे सोने, सोना पड़ेगा, काहे कि रात को ड्यूटी करना है। ठीक है। अरे बदनाम, ये तेरा ग्लास इधर पड़ा था, ले ले भाई। अरे थैंक यू भैया, क्या ईमानदार चोर है, वापस दे दिए, वाह। चोर चोरी छोड़े, हेरा फेरी न छोड़े। लो चाय और लो, तुम पी लो, तब से बैठे। परेशान करके रख दिया आज फोन ने। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? काला कुत्ता है। काला कुत्ता? ना बाबा, हमें तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। गुरुजी है? गुरुजी? हाँ अजीब इंसान हो तुम, काले कुत्ते से सीधा गुरुजी तक पहुंच गए। देखो भाई, काला कुत्ता भाग गया और गुरुजी अभी स्कूल में, समझ गए? रख दो फोन। अच्छा ओहो। हेलो, खंबा मिलेगा? हाँ? खंबा खंबा मिलेगा क्या? खंबा चाहिए तुमको? हाँ मिलेगा ना, यहाँ महिला पुलिस थाने में मिलेगा तुमको खंबा, और खंबे से बांध के अच्छा सा करंट भी मिलेगा तुमको, समझे? हम खंबा चाहिए तो बिजली विभाग में फोन करो ना। बस मैडम बस, और नहीं खाया जाएगा। तुम ही हो ना वो जिसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है और गलत न्यूज फैलाया कि तुम्हारा ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। आप भी खाएं हाहाकार पापड़ और दूर भगाएं कोरोना। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई।
अब रुक जाओ ना करिश्मा मैडम। एक तो तुम कोरोना के नाम पे लोगों को ये पापड़ खिला रहे हो, हमने सोचा भाई हमारा भी तो थोड़ा ड्यूटी बनता है तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ, तो सोचा क्यों ना तुम्हारा ही पापड़ तुमको खिलाया जाए। अब जो तुम्हारे सामने ये पापड़ का पहाड़ पड़ा है ना, या तो ये खा लो या फिर हमारा एक घुसंड खा लो, क्या खाओगे बताओ? खा ले बेटा, अच्छी बात है, पापड़ खा ले बेटा वरना मार खाएगा। बस मैडम बस, और नहीं होता मैडम, मैं आगे से किसी को फॉरवर्ड नहीं मैसेज करूंगा, मैं तो मैसेज ही नहीं करूंगा मैडम। इकबाल मैडम, सारे हाहाकार पापड़ देख रहे आ गया, इतने ही है, रख दू? रखो यही। क्या है ये भैया, ये पापड़ देख रहे हो, ये भी आप ही को ही खाना है? हाँ? देखा ये क्या कर दिया आपने। जय हिंद मैडम सर। ये सब कौन है ये आदमी? मैडम सर ये वही आदमी है जिसने वो गलत मैसेज फॉरवर्ड किया है सबको कि इसके ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, खुद का पापड़ खाया तो लेट गया है यहाँ पे, अभी जब ये होश में आएगा ना फिर इसको समझ में आएगा कि झूठा खबर फैलाना कितना गलत बात है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाइए। जी आप अंदर आइए। वो तो समझ जाएगा करिश्मा सिंह, लेकिन इंतजार हमें इस बात का है कि आपको ये बात कब समझ में आएगी कि इस तरीके से थाना नहीं चलता। हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, हमारा काम कानून की हिफाजत करना है, उसे तोड़ना नहीं। मैडम सर ये न्यूज देखिए जल्दी। जब रक्षक ही बन जाए अपराधी तब कहां जाए आम आदमी, अपराध को रोकने के बजाय रक्षक ही करने लगे अपराध तो क्या हो उसके बाद। महिला पुलिस थाने को लीजिए, ये महिला पुलिस थाना अपराध को रोकने के बजाय खुद ही अपराध में संलिप्त है। देखिए आज की रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ अपनी आंखों से महिला पुलिस थाने का ये सच। अरे अपनी तो पूरी जुगाड़ है महिला पुलिस थाने में, कभी भी जितनी भी शराब चाहिए हमको बोलो, हम लाके देंगे। कहाँ से लाके दोगे भाई? महिला पुलिस थाने से लाके देंगे। ये क्या बकवास बोल रहा है आदमी? तभी हम सोचे सुबह से इतने फोन क्यों आ रहे हैं, परेशान करके रख दिया हमको शराब मांग मांग के। ये सब इस वीडियो की वजह से हो रहा है मैडम सर। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये तो फेक न्यूज है। ये खबर झूठा है ये आपको पता है हमको पता है, लेकिन ये खबर झूठा उन लोगों को नहीं पता जिन तक पहुँच गया या पहुँचने वाला है, उनके लिए ये खबर सच्चा है मैडम सर। करिश्मा सिंह हम पुलिस है, हम ऐसी फेक न्यूज से डर नहीं सकते। डरने का नहीं डराने का जरूरत है मैडम सर ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, इतना भी एहसास नहीं होता उनको कि ये फेक न्यूज की वजह से कितना लोगों का जिंदगी दांव पर लग जाता है। आप एग्जांपल के तौर पे इस इंसान को ले लीजिए, अगर हम इसको इसी का ही पापड़ खिला के इसको सबक नहीं सिखाते तो इसको समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो है ना वो जज्बातों से नहीं समझते मैडम सर। करिश्मा सिंह आप ये क्या बेतुका एग्जाम्पल दे रही है, कहां वो कोरोना का पापड़ और कहां ये फेक न्यूज का मामला? ये मामला साइबर यूनिट हैंडल करेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है, यहाँ किसको जाकर मारेंगी आप? यहाँ का थाना इंचार्ज कौन है? हम हैं हसीना मलिक, कहिए। हम क्राइम ब्रांच से, हमारे पास यहाँ की तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स कॉपी है, आप देख सकती हैं। देखिए इन्हें इनका काम करने दीजिए, प्लीज कैरी ऑन। चलो शुरू हो जाओ। क्या नई मुसीबत है। Thank you.
सर इधर आइए। ये सब क्या है? कहना है, कहना है, आज पहली बार बार से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चलते चलते कहाँ आ गए संतोष जी? संतोष जी कितने सुंदर हैं आप। हमको ना हमने कुछ कुछ पर्सनल बात करना है आपसे। दिल वाला जो ना दूध बिले राइस बिले। संतोष जी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है आपसे जो सुंदर। चिट्ठी रुक रुक रे चुप बिल्ले चुप बिल्ले रोक रोकना नहीं हमको तुम्हें। चिता चित्र देखो मोहब्बत के सागर में बह जाने दे बिल्ले। संतोष कौन है पे? चीते ये लोग क्राइम ब्रांच वाले हैं। अभी भी यहाँ पे तलाशी हुई है और तलाशी में शराब की बोतलें मिली हैं। तुम कौन? बिल्लू है, चोर है ये। तुम? चीता चतुर्वेदी, कांस्टेबल। तुमने शराब पी है? नहीं सर, हम घर पर दूध और थाना में चाय के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं पीते सर। इनके कपड़ों से जो स्मेल आ रही है वो दूध और चाय की नहीं बल्कि शराब की है। नहीं सर, कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीता कभी भी शराब नहीं पीता। बहुत मुश्किल है मिस मलिक, आपके थाने में शराब मिली है और आपका एक स्टाफ शराब के नशे में खड़ा है। सर हम ना समझाते हैं, हम ना इसे खेल रहे थे सर। हम ऐसे खेल रहे थे कि हम आएंगे और हम संतु जी को ऐसे शराब के नशे में बोलेंगे और वो भी हमको ऐसे नशे में। ये तो और भी गलत बात है, आप लोग ड्यूटी पर ये सब काम करते हैं? ये कमरा सील करने का ऑर्डर दो और रिपोर्ट्स बनाओ। सर नहीं नहीं एक मिनट, आप प्लीज बात समझिए, ये सब एक्टिंग कर रहा है ये। आपको जो भी सफाई दे रही है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में देना, और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आप लोग दोषी साबित हुए तो आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आप इस फॉर्म पर साइन कीजिए।